नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC न्यूज़ हिंदी। मैं हूं आपके साथ मयंक। BCCI ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष एहसान मनी को जमकर खरी खोटी सुनाई है। BCCI के उपाध्यक्ष माहिम वर्मा ने PCB पर पलटवार करते हुए कहा कि PCB पहले अपने देश के बारे में सोचे। दरअसल सोमवार को PCB के अध्यक्ष एहसान मनी ने कहा था, भारत में सुरक्षा का ज़्यादा खतरा है। देखें ये रिपोर्ट। सोमवार को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष एहसान मनी ने कहा था कि पाकिस्तान पूरी तरह से सुरक्षित है और हमने ये साबित भी किया है। अगर कोई टीम पाकिस्तान खेलने नहीं आना चाहती है तो पहले वो साबित करे कि पाकिस्तान कैसे असुरक्षित है। इस वक्त पाकिस्तान से ज्यादा भारत में सुरक्षा का खतरा है। देखिए, आई हैव बीन अराउंड विद ICC फॉर अ लॉन्ग टाइम। आई नो द वे इट वर्क्स। उन्हें प्रूफ करना पड़ेगा कि पाकिस्तान सेफ नहीं है। हम समझते हैं सेफ है, हमने दिखा दिया दुनिया को कि सेफ है। सो वाई जो इंसिडेंट्स ऑकलैंड में हुए थे, क्राइस्टचर्च में राधा, ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, इंग्लैंड में होते हैं। मैं इंग्लैंड में 50 साल ज़्यादा रह चुका हूँ। जो वहाँ बगिंग्स रॉबरीज होती हैं वो सारी दुनिया में होती हैं। मगर आज मैं आपको ये भी बता दूं कि प्रॉबेबली इंडिया इज इन फार ग्रेटर टर्मोइल्स फ्रॉम सिक्योरिटी परस्पेक्टिव देन पाकिस्तान इज। तो इसके लिए अगर कोई यहाँ कहता है जिनको फिक्र है कि वो नहीं खेलना चाहते, हम उनकी बात ज़रूर सुनेंगे। मैं किसी प्लेयर की सेफ्टी और सिक्योरिटी पर रिस्क नहीं लूँगा, मगर उन्हें प्रूफ करना पड़ेगा कि क्यों वो समझते हैं कि वो सेफ नहीं है। एहसान मनी के इस बयान पर BCCI उपाध्यक्ष माहिम वर्मा ने उन पर करारा पलटवार किया। माहिम वर्मा ने कहा है कि एहसान मनी सबसे पहले अपने देश के बारे में सोचें, हम अपने देश की सुरक्षा करने में सक्षम हैं। साथ ही BCCI के कोषाध्यक्ष अरुण धूमल ने भी PCB के अध्यक्ष को करारा जवाब दिया। अरुण धूमल ने कहा, एहसान मनी लंदन में रहते हैं इसलिए उन्हें भारत की सुरक्षा पर बयान नहीं देना चाहिए। एहसान मनी पाकिस्तान में बहुत कम समय बिताते हैं। अगर वो पाकिस्तान में रहते तब उन्हें इस बात का अंदाजा होता कि वहां के हालात भारत के मुकाबले क्या हैं। 10 साल के बाद पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट की वापसी हुई है। श्रीलंका की टीम 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तान गई थी। पाकिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट बंद हो गया था क्योंकि साल 2009 में श्रीलंकाई टीम की बस पर आतंकी हमला हुआ था। 10 साल के बाद पाकिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की वापसी तो जरूर हुई है, लेकिन अभी भी कई टीमें हैं जो सुरक्षा कारणों से पाकिस्तान नहीं जाना चाहती हैं। क्रिकेट जगत की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें NBC न्यूज़ हिंदी। NBC के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।